दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों में से एक न्यूयॉर्क इस समय तूफान के कारण बाढ़ में डूबा हुआ है। शुक्रवार को बारिश ने न्यूयॉर्क को पानी से भर दिया। इसके कारण अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन बाधित हुई। राजमार्गों पर ड्राइवर फंस गए। बेसमेंट पानी में डूब गया। लगाड़िया हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल को घंटों के लिए बंद करना पड़ा। कई दशकों में पहली बार ऐसी तबाही देखने को मिली है। शहर के अधिकारियों के मुताबिक दोपहर तक ब्रुकलिन के कुछ हिस्सों में लगभग 7 इंच बारिश हो चुकी है। 1 घंटे से कम 2.5 इंच बारिश हुई। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक जॉन एक कैनेडी हवाई अड्डे पर लगभग 8 इंच बारिश हुई, जिसने सितंबर की बारिश के पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया। ऐसा तबाही 1960 के डोना तूफान में देखा गया था। अभी और भी बारिश होने की संभावना है। 2 साल पहले आए तूफान ईडा में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से ज्यादातर बाढ़ वाले बेसमेंट अपार्टमेंट में थे। हालांकि शुक्रवार को किसी भी मौत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इस बाढ़ ने एक भयानक याद को ताजा कर दिया। शहर के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पानी से भरे 6 बेसमेंट अपार्टमेंट की जानकारी मिली है, लेकिन इनमें रहने वाले सभी लोग सुरक्षित निकल गए। गवर्नर कैथी होचुल और मेयर एडम्स ने आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने लोगों से जरूरी ना होने पर घरों में रहने का आग्रह किया। हालांकि इस दौरान स्कूल खुले थे और छात्र पढ़ने के लिए गए, वहीं कई लोग काम पर गए। हर सबवे लाइन कम से कम आंशिक रूप से निलंबित थी। कुछ का रास्ता बदल गया तो कुछ देर से चल रही थी। शहर के कई इलाकों में भीषण जाम देखने को मिला। अधिकारियों के मुताबिक लॉन्ग आइलैंड रोड पर जाम लग गया। शहर के 3,500 बसों में से 44 फंस गई। पूरे शहर में बस की सेवा बाधित रही। कुछ स्कूल बस चल रही थी। बसों की सेवा बाधित होने के कारण सभी प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखने को मिली। प्रिस्ला फोटोलियो नाम की एक महिला ने कहा कि वह अपनी कार में 3 घंटे तक बैठी रही। हर जगह बाढ़ नहीं था, लेकिन ट्रैफिक बाढ़ से कम नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था।